नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के हस्तकला के बारे में कि राजस्थान के कौन से ज़िले में कौन सी हस्तकला प्रसिद्ध है। जो सबसे पहले है हाथीदांत के आभूषण, जोधपुर में प्रसिद्ध है। खोलचा चूड़िया, जो मिट्टी और कांच की बनी होती है, बीकानेर में प्रसिद्ध है। अपने बीकानेर में खेलकूद की सामग्री जो है वो हनुमानगढ़ में प्रसिद्ध है। मोकड़ी, जो कि लाख की चूड़ियाँ होती है, लाख की चूड़ियों के लिए मोकड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। लाख के आभूषण उदयपुर में, लकड़ी के खिलौने उदयपुर में और लकड़ी के झूले, इसके लिए जोधपुर है। मूर्तिकला केंद्र, ये है जयपुर में प्रसिद्ध है। जयपुर से ही मूर्तियां बनने स्टार्ट हुई है। अलवर का किशोरी गांव है, जो कसीदे कारी के लिए प्रसिद्ध है। कसीदेकारी किशोरियां ही करती है, इसलिए किशोरी गांव रखा होगा। मीनाकारी के लिए लाडपुरा सिक्कर, और संगमरमर की मूर्तियों के लिए जैन एम ज्वेलरी, सीतापुर जयपुर में। पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध जिले हैं जयपुर और अलवर। तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा में, और चांदी की मीनाकारी नाथद्वारा राजसमंद में। अब है कलात्मक रूप से सुसज्जित बादलें, जिंक वे जस्ता युक्त पानी के जो बर्तन होते हैं। अजरक मलीट, ये बाड़मेर के बालोतरा में मलीर में। लेहरिया जयपुर में प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है, और जाजम है वो भी चित्तौड़गढ़ में ही प्रसिद्ध है। अब लेहरिया और मोठड़ा के टाइप है। लेहरिया जो होता है, इस टाइप लहरें सी बनी होती है, और मोठड़ा जो है वो लग लहरें एक दूसरे को काटती हुई होती है। अब सतरंगी लहरिया सुजानगढ़ चूरू में प्रसिद्ध है। सतरंगी लहरिया वाला गाना भी हाँ, चलता है। मांगलिक लहरिया जो पांच रंगों का होता है। समुद्री लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। मोती लहरिया सीकर का प्रसिद्ध है। मोठड़ा राजस्थानी बंधेज है, इसके ओढ़नी और साफे दोनों आते हैं। इसमें ये भी है कि ओढ़नी है एक साफा मोठड़ा, तो मोठड़ा ओढ़नी है, साफे के ऊपर क्रॉस लगा रखा है पूरा। लाल रंग की ओढ़नी पर गोद मिश्रित मिट्टी की छपाई पर लकड़ी के छापों द्वारा सोने चांदी के अवशेषों की छपाई को कहते हैं रबड़ी की छपाई। अब है पोमचा, ये कहाँ प्रसिद्ध है? शेखावटी। मसूर या मलमल, कोटा में। मलमल का 98% उत्पादन जो होता है वो ढाका में होता है। कोटा डोरिया, साडिया के थून। कैथून कोटा के अंदर है। राज्य में नमदे, टोंक और बीकानेर, पहला स्थान टोंक का है, दूसरा दूसरा स्थान है बीकानेर। बीकानेर का है। अब है गोटे का कार्य, और नमदे कौन सी जगह होते हैं? और नमदे खंडेला सीकर और बिनाई अजमेर में भी होते हैं। गोटे का कार्य लपा लपी गोटे का एक प्रकार है। बातिक का कार्य खंडेला में होता है। टुकड़ी सिकर टुकड़ी मारवाड़, जाजम चित्तौड़गढ़, 22 फरवरी 1952, भारतीय भारतीय लोक लोक कला, मंडल। लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में हुई थी। ठीक है। अब सोप स्टोन या घिया पत्थर, ये होता है रमकड़ा उद्योग। कठपुतली अरड़ की लकड़ी से उदयपुर की, और देवीलाल सांबर जो है वो क्या है, प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है। अलवर की। अलवर की डबल कट वर्क की पोटरी कागजी है। ठीक है। चीनी बर्तनों पर रंगीन व आकर्षक चित्रकारी ब्लू पोटरी, जो पर्शिया अकबर लाहौर से लेकर के आया था लेकर राम आए सिंह थे, राम सिंह द्वितीय। सेकंड के समय में। जोधपुर जो है उसको नीला शहर कहा जाता है। हस्तकला की आत्मा मीनाकारी है, और कागजी पोटरी जो अलवर में प्रसिद्ध है, ब्लैक पोटरी कोटा में, और सुनहरी पोटरी बीकानेर में। ये यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद सर।